ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो वाला गुवाहाटी है। वेलकम टू गुवाहाटी। एयरपोर्ट कानापरा, एयरपोर्ट कानापरा बोल के चिल्ला रहे सब। ये है गुवाहाटी का SBT, इस तरह दिख रहा है। हमें बस बोट है, ये था बस जो अभी हम गाड़ी बुक कर लिए। ओके है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी हम है लिकाबाली में, तो आज हम ईटानगर जा रहे हैं। ईटानगर एक्चुअली हम ईटानगर नहीं जा रहे, मतलब हम गुवाहाटी जा रहे हैं। आलो से डायरेक्ट गुवाहाटी जाने वाला बस नहीं मिला है। बस जाता है लेकिन बस ख़राब है, इसलिए हम यहाँ से ईटानगर जा रहे हैं। ईटानगर से फिर कल सुबह गुवाहाटी की ओर निकल जाएगा। तो अब आलो से तो हम पासीघाट से भी गाड़ी ले सकता था, लेकिन ऐसे करने से बहुत झमेला होता है। सुबह वहाँ से 5 बजे से सुमो लोग निकलते हैं, तो हमको बस्ती से टाउन तक जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर टाउन से पासीघाट, ऐसे बहुत झमेला है। उसके बाद 9 बजे वहाँ से APST लोग पासीघाट से दो बस APST जाता है। सुबह 1-8 बजे जाता है और दूसरा 9 बजे ऐसे जाता है। उसके बाद ब्लू हिल तो दिन को 1 बजे से को जाता है। तो हम सुमो को पूछा था, तो सुमो उसमें 9:30 को पहुँचेगा बोला है। तो हमको 9:30 से 1 बजे तक रुकना था, इसलिए हम डायरेक्ट आलो से डायरेक्ट ईटानगर जा रहे हैं। आलो से ईटानगर बस जो सुबह 5 बजे निकलता है। हम आज सुबह 4:30 को होता था। उसका बाद हम बस्ती का रास्ता हम लोग का बस्ती साइड से जाता है, मतलब बासा रोके जाता है। तो हम वहाँ से बस्ती से इधर गाड़ी को पकड़ रहे हैं। 5:30 ऐसे को बस आ गया था। अभी टाइम तो 12 बजे हो गया। अभी यहाँ से ईटानगर में 4 बजे से को पहुँच जाएगा। उसका बाद कल सुबह फिर वहाँ से हम बस नहीं तो अभी यहाँ से ईटानगर जाएगा। हम ट्रेन मिलता है बोलने से ट्रेन से जाएगा, नहीं तो बस से कल सुबह चला जाएगा। तो इस तरह ये तो ऐसे दिख रहा है। और ये है बस जो ये है हम लोग का APST बस। और ये था होटल जो अभी हमें खाना वाना खा लिया है। कल सुबह टिकट वो सब लिया था। टिकट इस तरह से दिख रहे हैं, अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो ये है टिकट, ऐसे दिखते हैं टिकट जो येलो कलर हो के। मेरा सीट नंबर जो 18 है और आलो टू ईटानगर इसका दाम है 650। कल का टिकट ले आ लो, वीडियो आप लोग देखो। तो ये है आलो का बस स्टेशन, या में बस हो सब बहुत है, आप देख सकते हैं। बारिश गिर रहा है हम लोग का यहाँ में, इसलिए बहुत ठंडा है, इसलिए ये सब में पानी है। तो इस साइड में टिकट यहाँ से मिलते हैं, तो पूछ के देखते हैं। काउंटर बंद हो गया जैसे लग रहा है, नहीं खुला है क्या? चलो पूछ के देखते हैं। ये टिकट काउंटर है और आप देख सकते हैं ये वहाँ में है। आलो टू गुवाहाटी 1000 है। 4:30 से यहाँ से सुबह निकलता है। उसमें कौन कौन सा देह में जाता है, हफ्ता में 2 बार जाता है, उसमें लिख के रखा है, आप खुद से देख लो। और ईटानगर भी है, ईटानगर नाइट का नहीं है, अभी डे का है। तो अभी हम यहाँ में टिकट लेने के लिए आया था, टिकट को ले लिया है। मेरा बाइक तो वाम है, अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये आलो टाउन को फिर से रास्ता बना रहे, अभी इसको रास्ता बना रहे। ये पहले से रास्ता खराब हो चुका था, तो आप लोग आलो को नहीं दिखे तो ऐसे दिखता है आलो जो। इसको अभी अच्छे से रास्ता बना रहे, ऐसे बना रहे। ये है बस, तो अभी आप लोग को मैं बस दिखाता हूँ।
गेट जो, उसको पैदल पार करना पड़ता है या मैं चेक करते हैं, यहाँ से जो ILP नहीं होगा, जो अरुणाचल से बाहर से आता है वो लोग ILP नहीं होगा, वो लोग को आने नहीं देता है अंदर में, ILP लेके अंदर में आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को भी पैदल जाने देते हैं नीचे से। तो ये रहा अपना बस आ गया, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी हम है गंगा में, ईटानगर में। तो अभी हम यहाँ से गुवाहाटी निकल रहे हैं, जो आप पीछे में बस देख रहे हैं वो जा रहा है गुवाहाटी। तो अभी हम आके 5 बजे आया था, हमें 5:30 को आया था, टिकट ले लिया है। टिकट गुवाहाटी अभी इतना जाने वाला आदमी नहीं है, इसलिए 15 नंबर मिला है, बीच में 15 नंबर आगे में होता है। अभी आप लोग को मैं बस भी दिखाऊँगा, अभी तक तो ड्राइवर नहीं आए, 6 बजे यहाँ से निकलेगा बोला था। तो हम कल या ईटानगर में पहुंच के, हम 5:30 ऐसे को या मैं पहुंच गया था। तब पहुंच के हम डायरेक्ट काउंटर में गया था, तब बंद हो चुका था काउंटर। तो एक दोस्त को हम पूछने दिए, तब तो गुवाहाटी जाने वाला एक आदमी होने से मिलेगा बोल रहा था, आजकल इतना आदमी नहीं जाता है ऐसे बोल रहा था। तो 5 बजे आके देखो बोला है, हम 5 बजे सुबह आया था, 5 बजे होता है। उसका बाद खाना वाना खा के 5:30 को यहाँ में पहुँचा, उसके बाद अभी टिकट ले लिया, अभी 6 बजे होने, 6 बजे हो गया। तो अभी बस निकलेगा, रेडी कर रहे, चलो तब तो। तो बस तो ये है, और ये है हनुमान मंदिर। बस यहाँ से निकलता है APS तिलु की ईटानगर से निकलता है, और दूसरा बस लुक तो यहाँ से ब्लू इलो सब यहाँ से नहीं निकलता है, और सब नाहरलगन से निकलता है, ISBT से ही निकलता है। ये पासीघाट जा रहा है ये बस जो, और ये सब कहाँ कहाँ में जा रहा होगा पता नहीं। और ये है, तो अभी आप लोग को मैं दिखा था वही, थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो ये है बस, इस तरह से दिख रहे, और मेरा सीट नंबर ये वाला है 15 नंबर, बीच में ये। तो ये है ISBT, उसमें दुकान है, इस तरह से दिख रहा है। बस तो यहाँ में है, और इस साइड में भी बोट है, ये था ISBT यहाँ का। यहाँ में बस लोग रिपोर्टिंग करने आते हैं, यहाँ से फिर चला जाता है। ब्लू इल्लू ईटानगर नहीं जाता है, यहाँ तक आते हैं। आप लोग गुवाहाटी से आते हैं बोलने से ब्लू इल्लू यहाँ तक आएगा, यहाँ से आपको गाड़ी पकड़ के ईटानगर जाना पड़ेगा। तो ये था, तो चलो सबको, अभी बस जाने वाला है। वेलकम टू बंदरदुआ, लखनपुर साइड से गुवाहाटी इस साइड से, यहाँ से आसन शुरू होता है, साइड से जाने से लखनपुर मिल जाएगा, और यहाँ से गुवाहाटी। अभी तो रहा मैं बस रुक रहे, यहाँ में होटल है, ये नॉर्थ ईस्ट दावा कम रेस्टोरेंट बोल के एक होटल है, रेस्टोरेंट है। तो उसमें आदमी लोग ब्रेकफास्ट वो सब कर रहे, तो हम तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, हम खाना खा लिया था। तो ये आप देख सकते हैं, चाय बगीचा है, चाय बागान है, बहुत ही सुंदर है, इस तरह से देख रहे। अभी 120 ऐसे कुछ कवर कर चुका है, 120 किलोमीटर ऐसे कवर कर चुका है अभी यहाँ से। फिर गुवाहाटी जो 240 ऐसा कुछ है यहाँ से गुवाहाटी।
सीट भी बहुत अच्छा है, मतलब पैर आराम से रख सकते हैं। और ये है, आप सीट को पीछे करना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो वाला गुवाहाटी है, वेलकम टू गुवाहाटी। इस साइड में गुवाहाटी है, रोपवे ऊपर में, कल पुष्प हम जहाँ में रोपवे गया था वो साइड ऊपर में। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, में आप देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट, उसका बटकाना फरा वही चिल्ला रहे, ऐसे देख रहे एयरपोर्ट काना परा, एयरपोर्ट काना परा बोल के चिल्ला रहे सब। कहीं नहीं, तो बुकिंग कर ले। ये है गुवाहाटी का SBT, इस तरह दिख रहा है हमें बस बोर्ड है। ये था बस जो अभी हम गाड़ी बुक कर लिए, हाँ ना, मतलब गाड़ी बुक कर लिए नहीं हो जाएगा। तो ये यहाँ से है था गाड़ी बोट है हमें, तो वेलकम टू गुवाहाटी। अभी हम कार बुक कर लिए, कार जो बाहर में बोले, और कैब बुक कर लिए, कैब जो बाहर में बोला है। यहाँ में हर कोई आपको ऑफर करने वाला मिलेगा जब आने से बस, लेकिन उल्टा साइड से आए, वहाँ से कानापुरा रास्ता से नहीं आए, वह पीछे साइड से आए, तो आदमी लोग आपको बहुत ऑफर करेगा, कार में काम में जाएगा बोल के। हम तो बुक कर लिए कार जो काम है। तो ये है गाड़ी जो, तो अभी हम कैब में आ चुका है, यहाँ से SBT से निकल रहे। तो ये भैया है हमको टिकट लेप देने वाला, हाय बोल दो एक बार। हाँ, तो अभी यहाँ से राजधानी मस्जिद तक जाएगा, आगे से इस तरह दिख रहे। वैसे आप लोग को तो टाइम बताना भूल गया, टाइम अभी 4:40 हो गया है। तो हम थोड़ा कैब को बुक करते करते थोड़ा लेट हो गया था, बस में हम थोड़ा रुका था। हम लोग को ऐसे नहीं लग रहा है कि ये शुभम जैसे एक नोमेडिक शुभम नहीं है मेरा। हाँ, आपका नाम शुभम है? शुभम ऐसे मुझे मतलब घर में बोलता है शुभम, ओरिजिनल नाम मेरा राजदीप है। एक वर्ल्ड में वो मतलब जहाँ तक घूमते रहता है कंट्री में, उसका चेहरा थोड़ा आपसे मिलता है, मतलब उसका जैसे आप थोड़ा सा ना ये नोमेडिक शुभम, बाद में आप लोग आपको मैं दिखाएगा। गिरता है मेचुका में था, बर्फ गिरता है बहुत जगह में, बर्फ गिरता है सब बर्फ ही। हाँ, और उसको तो बहुत सुनता होगा अभी, ये सब तो टूरिस्ट प्लेस ही है ना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम कल 5:30 ऐसे को रूम में पहुंच गया था। तो आप लोग को हम SBT अच्छे से दिखाएगा सोच रहा था, पर अच्छे से दिखा नहीं पाया, क्योंकि हम बस से जब नीचे नाम आता तब आदमी लोग हमको पूरा घेर के रखा था, कहाँ में जाएगा बोल के पूरा पूछ रहा था। तो हम बस में बैठ के हम कैब बुक कर लिया था, उसके बाद हम नीचे नाम किए, तो आप लोग को SBT दिखाएगा सोचा था, लेकिन ऐसे आप लोग को दिखा नहीं पाया, क्योंकि वह में आदमी लोग बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐसे कहाँ में जाएगा बोल के हमको परेशान कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट चला गया था वहाँ से। तो कभी दिन आप लोग को SBT हम अच्छा से दिखा देगा। और आप लोग को हम ये भी नहीं बताया था ना ईटानगर से गुवाहाटी तक कितना लेता है बोल के, ईटानगर से गुवाहाटी तक 500 लेता है APST लोग, लेकिन ये APST बस लोग यहाँ से कानापुरा होके मेघालय रास्ता से नहीं आते, वहाँ से तेजपुर से दो रास्ता हो जाता है, दूसरा यहाँ से मेघालय रास्ता से मतलब कानापुरा होके आता है, दूसरा वहाँ से ऐसे घूम के टाउन का नीचे से ऐसे आता है वहाँ से SBT। कल ऐसे वहाँ से घूम के ऐसे आया था SBT में, टाउन के अंदर में नहीं आते वहाँ से, उसके बाद SBT में छोड़ देते हैं। ब्लू हिल लुक तो ऐसे नहीं होता है, ब्लू हिल लुक डायरेक्ट उसमें कानापुरा होके मेघालय रास्ता होके यहाँ से कानापुरा से डायरेक्ट आ जाता है।
ये लेकिन APST लुक बस ऐसे नहीं, APST बस लुक ऐसे नहीं आता है, वो पीछे से ऐसे घूम के आता है। ISBT से मेरा रूम तक 3 किलोमीटर होता है, तो तब इसलिए थोड़ा टाइम लग गया रूम में पहुँचने के लिए। 2 दिन जर्नी कंटिन्यू करने के बाद बहुत बदन थक गया था, इसलिए हम आराम से सो गया था। चलो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रख देता हूँ, आपको मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में।